सभी को नमस्कार। मैं आज आपको ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का जो कोर्स होता है आईटीआई का, उसको करने के क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या उसके लिए योग्यता चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का आपको मीनिंग समझा देता हूँ। ड्राफ्ट्समैन का मीनिंग होता है जैसे ड्राइंग करनी और उसकी ड्राफ्टिंग करनी। उसके बाद मैकेनिकल का मीनिंग होता है कि किन्हीं भी मशीन पार्ट्स के, जो भी इंडस्ट्री में मशीन किसी भी टाइप की यूज होती है या इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो उसकी सबसे पहले ड्राइंग तैयार होती है। तो जो वो ड्राइंग होती है मैकेनिकल से रिलेटेड, जितनी भी ड्राइंग होती है, कोर्स किया होता है जिन्होंने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का, वो तैयार करते हैं। जो इस कोर्स की अवधि है 2 साल है। 2 साल के दौरान जो फर्स्ट ईयर होता है, इसमें फर्स्ट ईयर में सारी जो मैनुअल ड्राइंग सिखाई जाएगी, इसके अलावा जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका सारा मैनुअल ड्राइंग प्लस उसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो करवाया जाएगा। और इस ट्रेड में कुछ इसकी अलाइड ट्रेड भी करवाई जाती हैं, जैसे उनको वेल्डिंग के बारे में समझाया जाता है, फिटर के बारे में समझाया जाता है, और भी जो कुछ जो महत्वपूर्ण ट्रेड है जो मैकेनिकल से रिलेटेड है उनके बारे में भी समझाया जाता है। क्योंकि जो इंडस्ट्री में काम होता है वो उन ट्रेडों से भी संबंधित होता है जो दूसरी मैकेनिकल की है, इसलिए अलाइड ट्रेड में उनको उनके बारे में भी समझाया जाता है। इसके अलावा जैसे ही सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है तो उसमें जो ऑटोकैड है, ऑटोकैड 2D से स्टार्ट करके फिर उनको 2D 3D सिखाया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट के 6 मंथ होते हैं या 8 मंथ होते हैं, उनमें सॉलिड वर्क्स पे 3D ड्राइंगें सिखाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये सारा जो कोर्स का मॉड्यूल है वो ये है। और ये कोर्स करने के बाद जो बहुत ही नामी गिरामी कंपनीज हैं, जैसे BHEL होगी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके अलावा बेल कंपनी है जो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसमें, और साथ ही जो DRDO जो सरकारी संस्थान हैं उनमें इनकी समय समय पर जो अप्रेंटिस है या प्लेसमेंट है वो निकलती रहती है, जिसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे विभाग हैं, जैसे PWD में भी इनकी अप्रेंटिस के जो स्कोप हैं। इसके अलावा जो इज्जत कंपनी, उसमें इसका काफ़ी स्कोप है। इसके अतिरिक्त जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं या कोई जैसे सिप्स की कंपनीज हैं, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं, उन सब में इसका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, जैसे कुछ स्टूडेंट अगर जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करना चाहते हैं तो वो ऑटोकैड के जो सेंटर खोल सकते हैं, और इसके अलावा जो भी वो सॉलिड वर्क्स में महारत हासिल कर लेते हैं, जो इंडस्ट्री से डिजाइन के जो ऑर्डर ले सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज मतलब इतनी बड़ी नहीं होती कि वो अपना डिजाइन सेक्शन सेटअप कर सकें, तो वो क्या करते हैं, जैसे उसके जो अपना प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसके डिजाइन बाहर से बनाती हैं, या कुछ भी उन्होंने पार्ट बनाना होता है मैकेनिकल पार्ट तो उसकी ड्राइंग बाहर से बनवाते हैं, तो इस प्रकार भी वो बाहर से हायर करते हैं। तो इसलिए जो भी वो डिजाइनिंग का काम है तो वो भी अगर ऐसी कंपनीज को कॉन्टैक्ट करके, तो इस प्रकार वो सब रोजगार भी अपना चला सकते हैं। इस कोर्स के हायर एजुकेशन में क्या क्या बेनिफिट है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे आप 10वीं के बाद अगर दाखिला लेते हो तो 2 साल की ट्रेड है, तो इसके बाद आपको प्लस टू करने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद, पास होने के बाद, भिवानी बोर्ड से एक आपने लैंग्वेज का पेपर देना है, हिंदी या इंग्लिश का। तो जैसे ही आप हिंदी या इंग्लिश का जो एक पेपर क्लियर कर लोगे तो आपको प्लस टू का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन भी स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये 2 वर्षीय कोर्स करने के बाद आपको जो डिप्लोमा करना है, जैसे आपने मैकेनिकल से रिलेटेड किसी भी ट्रेड का डिप्लोमा करना है, तो आप उसके सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। तो वो 2 साल में आपका जो 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है 10th के बाद, तो वो 2 साल में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको उसके जो मैकेनिकल से या जो भी उस डिप्लोमे से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में वही पढ़ने पड़ेंगे। और आप इस प्रकार हायर एजुकेशन में भी इसका जो ITI के इस कोर्स का फायदा उठा सकते हो। तो अंत में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि बहुत ही अच्छी ट्रेड है ये यहाँ की, और जो 2 वर्षीय कोर्स है बहुत अच्छा है, और इसमें जितना भी प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाता है, इसके अलावा जो थ्योरेटिकल ज्ञान होता है और जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी ज्ञान दिया जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कैसे उसको अपना जो कैरियर है वो सेटअप करना है, वो सारा कुछ बताया जाता है। थैंक यू।